हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों से कभी गियर शिफ्टिंग करते करते ये समस्या आई हो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी ये गाड़ी मेरी फिफ्थ गियर में चल रही है, राइट। अगर मान लो ये फिफ्थ गियर में से मान लो शिफ्ट करते करते गलती से रिवर्स गियर अगर लगा, तो रिवर्स गियर लगते हुए आपने अगर सुनी होगी आवाज़ तो खर करके बहुत तेज से आवाज़ आती है, राइट। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या चलती गाड़ी में मान लो गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और रिवर्स गियर अगर लग जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, और क्या रिवर्स गियर लग जाता है और अगर लगता है तो क्या गाड़ी पलट सकती है। तो भाई देखो, इतना बड़ा जिगरा तो मेरा नहीं है कि मैं आपको ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊं, क्योंकि इसका मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि अगर मान लो आपने गलती से अगर हल्का सा जब मान लो आप करोगे ना रिवर्स में, तो कर करके आवाज आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो एंगेज नहीं होगा, और अगर आप जबरदस्ती उसको एंगेज करने की कोशिश करते हो ना हाई स्पीड के अंदर खासतौर से, तो आपका जो गियर बॉक्स है 110% विदाउट एनी डाउट वो डैमेज होगा। और आपको पता है कि गियर बॉक्स सही कराने का लाखों रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो ये देखो, सीधी सी बात है कि स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब कभी भी आपको अगर रिवर्स गियर गाड़ी में लगाना होगा ना, तो रिवर्स गियर आपका गाड़ी में सिर्फ तभी और तब लगेगा जब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी हो जाए, मतलब बिल्कुल खड़ी हो जाए, उसके बाद ही रिवर्स गियर लगेगा। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी जो है चला रहे हो, थोड़ा बहुत भी मूवमेंट में, तो आप रिवर्स गियर डालोगे। आप ना देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ करके भी दिखाऊंगा एक बार हल्का सा, बट मैं बिल्कुल इसको हाईली डेमोस्ट्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अब देखो, सपोज करो, जैसे मान लो ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये गाड़ी है, ठीक है, न्यूट्रल में डाल दी है, ठीक है, और अभी गाड़ी अराउंड 10 किलोमीटर पर आ की स्पीड पे। अब देखो मैं रिवर्स गियर डालूंगा, ये देखो ये आवाज आई, ये देखो आई। तो भाई ये जो है ना बिल्कुल भी इंगेज नहीं होगा। रिवर्स गियर आपका सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी गाड़ी बिल्कुल जो है कांस्टेंट हो जाएगी, तब आप रिवर्स गियर डाल के यूज कर सकते हो, राइट। अब सोचो, देखो, अगर मान लो ये सबसे बड़ी गलती ना तब होती है जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही होती है ना, मान लो 80 या 90 या 70 पे चलेगी, और फिफ्थ गियर से जब आप सीधा जो है ना फोर्थ गियर में अगर शिफ्ट करोगे, तो कई बार ये जो गलती होती है ना इनिशियल लेवल पे हो जाती है जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, या मतलब ये कभी भी हो सकता है, एक बार तो वंस इन अ मोमेंट लाइफ टाइम आपके साथ ये हुआ होगा। अगर कभी आपके साथ हुआ है ना, और ऐसी गलती को लेके कभी आपका गियर बॉक्स को लेके नुकसान हुआ, तो एक बार मेरे को लिख के जरूर बताना। बट इसका सिंपल स्ट्रेट आंसर यही है भाई, कि अगर आप रिवर्स गियर जानबूझ के और फंसा के डालोगे ना, तो आपका जो गियर बॉक्स है 110% टूटेगा मैनुअल गियर के जो उसके गियर बॉक्स के केस में। ऑटोमेटिक में क्या है कि ऑटोमेटिक गियर में ना आपका लॉकिंग सिस्टम होता है, आपका जो गियर है वो लॉक हो जाते हैं, वो उस पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैनुअल के केस में आपका जो गियर बॉक्स है भाई वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, राइट। तो अगर गलती हो गई एक आध बार, भगवान आग कान पकड़ लो, ये दोबारा ऐसी ना हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा तगड़ा नुकसान होगा, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।